ले जी, इंतजार तो हो गया लंबा। वालेकुम। किधर जा रहे हो जी? क्या हाल है? ठीक होगा भाई? हाँ, अभी मैं एकदम से रेडी हो गया हूँ, नहा धो के वापस आके मैंने नाश्ता किया। सो अभी टाइम हो रहा है स्कूल का, तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। कर्क भाई दो दो करके पैक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। अभी गाड़ी निकाली है बाहर एक छोटे से काम के लिए, सुबह सुबह निकलना पड़ा है, बाइक ना होने का नुकसान। अस्सलाम वालेकुम, किधर जा रहे हो जी? क्या हाल है? ठीक होगा भाई? हैं, ए शॉप तक जा रहे हैं, आए नहीं इधर? चल आ जा, मैं तो कोनी खैर है, कितने नहीं चलया तू, मैं आ जा। आयो आयो, सेटिंग शूटिंग कर दियो आके, थोड़ी बहुत करो सेटिंग शूटिंग कर दियो, लोन दी काफी बिखरा बिखरा है काम। आहो, उन गोडी करनी है आज, करा या कल करा? वो एक ना सारे जल गए ना जेडे पौधे, वो भी ऑर्डर मिले थे कि सारे सफाई कर दियो। अच्छा हां, ठीक हो गया। हमारे गार्डनर मिल गए थे रास्ते में, अभी तक नहीं आए, तो इस टाइम तो काम कंप्लीट करके वापस भी चले जाते हैं। और आज लग नहीं रहा मुझे कि आएंगे, इनका छुट्टी करने का मूड लग रहा था मुझे। अभी गली में से जल्दी से मैं शॉर्टकट लेता हूँ और ये जो चीज़ हमने लानी है लेके आते हैं, और वापस आके जल्दी से खुद भी रेडी होते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है। फिर सुबह सुबह के टाइम ही रोड्स पे रश 9 बज रहे हैं। दरअसल इस टाइम लोग निकलते हैं अपने कामों पे, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई अपने और काम पे जा रहा है, नहीं तो छुट्टी वाले दिन सुबह इस टाइम रोड पे कोई नज़र नहीं आता। जिस दिन का मैं गांव से वापस आया हूँ उस दिन की मेरी तबीयत ख़राब थी, खैर अब काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन अभी तक हल्की फुल्की खांसी जो है ना वो होती है। इस दफ़ा पता नहीं कैसे जर्म्स आए हुए हैं बुखार ज़ुकाम के, जिस बंदे को भी हुआ है ना उसको 15-20 दिन से पहले जो है ना वो आराम नहीं मिला। तो जनाब अभी मैं एकदम से रेडी हो गया हूँ, नहा धो के वापस आके मैंने नाश्ता किया, तो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे स्कूल के लिए। स्कूल की ड्यूटी आजकल बड़ी सख्ती से स्टार्ट हो गई है, रेगुलर हो गए हैं स्कूल, तो थोड़ी देर में स्कूल के लिए निकलेंगे। फ़िलहाल मैं फ्री हूँ और रेडी शेडी हो गया हूँ, पैंट शर्ट पहन पहन के ना बिल्कुल बोर हो चुका था, अनकंफर्टेबल सा फील होता है। तो आज आपके भाई ने सूट वूट पहन लिया है, कमेंट करके बताएं कि सूट कैसा लग रहा है मुझे। बाबा जी छुट्टी कर ही गए ज़ोर ज़बरदस्ती, ये देखें जितने भी सारे पौधे जले हुए हैं ना, आज ये सारी क्यारी जो है ना वो रेडी होने वाली है। खैर कोई नहीं, अभी बाबा जी कल आएंगे तो ये सारा काम जो है ना वो उनसे मैं करवाऊँगा, जितने भी जले हुए फूलों वाले पौधे हैं ना उनको बाहर निकाल देंगे। अभी फरवरी का मिड चल रहा है, तो आगे थोड़े दिनों में बल्कि हो सकता है कि नर्सरियों पे नए फूल जो हैं उनकी पनीरियां वगैरह जो है ना वो आगे होंगी, तो ये सारे लोगों की क्यारियों की कल सेटिंग करवाएंगे, फिर उसके बाद नए फूल जो है ना वो लेके लगाएंगे। अभी ये जो तीन गमले हैं इनकी सेटिंग भी है सारी डिस्टर्ब की हुई है, तो इनको मैं सेट कर लेता हूँ। अब कुछ सेटिंग ठीक हुई है। हफ्ते में एक दिन ज़रूर ऐसा होता है कि लाइट सुबह सुबह चली जाती है और फिर 3-4 बजे सेकंड टाइम जाके आती है, साथ में ही ऑफिस है कंपनी का तो उनका जनरेटर फुल शोर मचाया हुआ है। सो अभी टाइम हो रहा है स्कूल का, तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और स्कूल के लिए निकलते हैं। मेरी वापसी, तो अभी टाइम है पेट पूजा करने का, उसके बाद फिर से हमने बाहर निकलना है। पहुंच चुका हूं सब्जी वाली शॉप पे, खत्म ही नहीं होने, एक आइसबर्ग
फाइनली सब्जी पकड़ ली, अब आगे चलते हैं। कर्क भाई दो दो करके पैक कर दें, दो लेता दो हाँ ठीक। चीज़ें हमारी हो गई हैं सारी, तो अभी निकलते हैं जल्दी से, जाके पहले खाना खाऊंगा क्योंकि अगला ऑर्डर जो है ना वो हमें मिल चुका है। तो जी पेट पूजा अच्छे से करने के बाद मैं आ चुका हूँ एमएम आलम रोड पे। इस रोड पे दुनिया का कह लें कि हर ब्रांड यहाँ पे मिल जाएगा आपको, हर ब्रांड की शॉप जो है ना इस रोड पे मौजूद है। और शाम के टाइम यहाँ से गुज़रना मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है ना, हैवी ट्रैफिक हो जाती है शाम के टाइम ज़्यादातर। और जब तक घर वाले नहीं आ जाते हम करेंगे गाड़ी में वेट। गाड़ी में वेट करते करते हो गया है एक घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया है और मैं पक चुका हूँ इंतज़ार कर करके। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगा ना मैं। लें जी इंतज़ार तो हो गया लंबा, मैं गाड़ी से निकल के बाहर वॉक कर रहा हूँ, गाड़ी के अंदर बैठ बैठ के तो बस होगी मेरी इतना लंबा। तो फाइनली लंबे इंतज़ार के बाद मैं जो हूँ ना अपने रूम में वापस पहुँच गया हूँ, अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बाकी काम हम बाद में करेंगे। तो अभी जो है ना कोई ख़ास काम है नहीं, तो आज के इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे रैप अप। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा, तब तक आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।